हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तभी कल्पेश। वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास टेक्निक। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं मोबाइल फ़ोन की बैटरी के बारे में। अगर आपके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी उतर जाती है और चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि मैं आपको सारी चीज़ बता सकूँ। तो हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पे आपको दिखाया गया कि आपको क्या क्या सेटिंग कर लेना है जिससे आपकी मोबाइल की बैटरी कम यूज़ हो। तो सबसे पहले आपको जो भी जो डिस्प्ले लाइट है उसको अपने हिसाब से बहुत कम यूज़ करना है, कम रखना है जिससे आपकी बैटरी कम यूज़ हो। और अब इम्पोर्टेंट सेटिंग है, वो है आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है साइन इन। आप अपने मोबाइल से जो भी ये सेटिंग है उसके हिसाब से अलग अलग ऑप्शन में जाके देख सकते हो। तो हम यहाँ पे साइन इन ओपन कर लेना है और जो पहला ऑप्शन अकाउंट साइन इन उसको ऑफ कर लेना है। अगर ऑन ऑप्स ये ऑप्शन ऑन हो तो उसको ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपको बैक चले जाना और जो दूसरा ऑप्शन है अकाउंट एंड शाइनिंग उसको भी आपको ऑफ कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन शाइनिंग होते रहते हैं उस वो ऑफ हो जाएगी, जिससे आपकी बैटरी यूज़ नहीं होगी। और जो फोटो वाला शाइनिंग है उसको भी आप ऑफ कर लेना है, जिससे आपका बैकग्राउंड में जो भी बैटरी यूज़ करती है शाइनिंग होने में वो नहीं यूज़ होगी। अगला जो सेटिंग है वो है बैटरी। बैटरी सर्च करने के बाद आपको बैटरी वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो आपका हाई परफॉर्मेंस मोड, आपका जो बैटरी है उसको हाई परफॉर्मेंस मोड में नहीं है ना, अगर हो तो उसको ऑफ कर लेना है, जिससे आपकी बैटरी बैलेंस लेवल पे चलेगी। और अगर ये पावर सेव पे ऑप्शन पे आप क्लिक करके स्लीपिंग मोड है, अगर ये ऑफ हो तो उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप जो भी टाइम मोबाइल यूज़ ना करें उस टाइम मोबाइल के डिस्प्ले हो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। और पावर यूसेज में जाके आप अपना जो जब से ज़्यादा जो एप्लीकेशन बैटरी यूज़ करता है वो उसको आप देख सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और उसके बाद आपको जो दूसरा जो सेटिंग है वो है यहाँ पे आपको सर्च करना है एप्लीकेशन। सर्च करने वाले ऐप मैनेजमेंट को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन देख रहे हैं उसमें आप ज़्यादातर यूज़ ना करते वो एप्लीकेशन को आप डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग कर लीजिए, ताकि आप जब भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करो तभी उसकी बैटरी यूज़ हो। इस तरीके से आप जो भी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करते उसको बैकग्राउंड में डिसेबल कर लीजिए, ताकि आप नेट यूज़ कर रहे हो, कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उस टाइम ये एप्लीकेशन बैटरी नहीं यूज़ करे। इस तरीके से आपको सारे एप्लीकेशन में बैकग्राउंड जो पावर सेवर है उसमें डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग कर लेना है, जिससे आपका बैकग्राउंड में बैटरी नहीं यूज़ होगा। उस एप्लीकेशन में जो भी आपकी बैकग्राउंड में बैटरी यूज़ हो रही थी वो नहीं यूज़ होगी, जिससे बहुत ही कम बैटरी यूज़ होगी और आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। इस तरह के सारे जो भी एप्लीकेशन है उसका आप बैकग्राउंड रनिंग डिसेबल कर लीजिए, जिससे आपकी बैटरी कम यूज़ होगी। आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसको रन रखिए ज़्यादा, और ज़्यादातर एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते उसको आप बैकग्राउंड डिसेबल कर लीजिए। इस तरीके से हमने पूरे एप्लीकेशन जो भी है वो पावर सेवर मोड में बैकग्राउंड रनिंग डिसेबल कर दिए है। उसके बाद जो दो और सेटिंग है वो है, अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो तो उसमें ऑटो सर्चिंग मोड आता है, उसको ऑन हो तो उसको ऑफ रखिए, जिससे आप लोकेशन चेंज करो तो ऑटो सर्च करके वो बहुत बैटरी आपकी यूज़ हो जाती है, तो वो ऑप्शन आप डिसेबल कर लीजिए, जिससे आपका जो भी जहाँ पे आप लोकेशन चेंज करोगे तो आपका हर बार वो
स्कैन नहीं करके वाईफाई के लिए और आपका बैटरी सही तरीके से काम करेगा। और दूसरा जो सेटिंग है वो है ब्लूटूथ। अगर आप ब्लूटूथ भी यूज़ करते हो तो उसमें डिसेबल जो विजिबल टू ऑर्डर डिवाइस वो ऑप्शन अगर आप ऑन रखते हो तो उसको ऑफ कर लीजिएगा, जिससे आप मोबाइल आपका ब्लूटूथ हर वक्त ऑन नहीं रहेगा। जब भी आपको यूज़ करना है तभी उसको ऑन करें, जिससे आपकी बहुत सारे बैटरी कम यूज़ होगी, जिससे आपका बैटरी बैकअप लंबा चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा।